नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तो दोस्तों, जैसे कि आज सोमवार है और जैसा कि हमने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि हर सोमवार हम आपके प्रश्नों के उत्तर दिया करेंगे, तो इसी प्रकार बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन इस बार भी आए हैं। उनमें से हम कुछ क्वेश्चन को ले रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, कुछ ऐसे ही अजीब सा नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि आप वेद महाभारत के मंत्र श्लोक बोलकर अपनी बात रखें तो और अधिक प्रभावी होगा। तो भाई, ऐसा है कि मैं बीच बीच में रखता भी हूँ, लेकिन क्या है ना कि इस रीति को मत डालो, क्योंकि आज के समय किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो रीति है ये पढ़ी है जाकिर नाइक से, और अब हम सिर्फ कंटिन्यू जाकिर नाइक को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें महेंद्रपाल आर्य जी हैं, बड़े विद्वान हैं, तो वो बोले अच्छा लगता है क्योंकि वो कुरान के बारे में बोलते हैं, और हम लोग अगर उसी रीति नीति को पकड़ते रहे तो देखो भाई, सुनने में तो बहुत अच्छे लगती हैं वैसी वीडियोस, लेकिन जब तक हम अपनी तर्क शक्ति को आगे नहीं रखेंगे और हम खुद से डिबेट करना नहीं सीखेंगे। मान लिया कि हमने तो सीख लिया है महाभारत के जरिए कि किस प्रकार से चीरहरण हुआ था उसको बचाने के लिए, और प्रश्न वहाँ आ गया के पांच पुत्रों की प्राप्ति पांच अलग अलग पतियों से किस प्रकार की गई, तो विधर्मी तो वो प्रश्न भी रख सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का घलमेल ना करते हुए, और सिर्फ हमारा मकसद आपको वीडियोस प्रस्तुत करना नहीं है और अपने व्यूज़ बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है आपका माइंड को ब्रॉड करना। तो अगर आपने खुद ने सीख लिया तो आपको किसी भी वीडियो की, किसी भी मंत्र की, किसी श्लोक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वैसी भरमार हैं वीडियोस की, आप वो देख सकते हैं, और जो हमारा मकसद है उसको अगर केंद्रित करके आप वीडियो देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारा कुछ फायदा मिलेगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा प्रश्न है ये, आप इस्लाम को धर्म क्यों कहते हैं? तो देखिए भाई, इस्लाम को मैं धर्म, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि ये संप्रदाय है, और सच बताऊँ तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, और हिंदू को धर्म बोलने की और सिद्ध करने की कई बार कोशिश की गई, सुदर्शन न्यूज़ वालों ने भी, और बड़े ढोल नगाड़ों के साथ अपने ऐसे ऐसे टैग डालते हैं कि हमने हिंदू धर्म वेदों में घोषित कर दिया है, वेदों में दिखा दिया है, और एक्चुअली वो जो हिंदू है वो धर्म नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, किसी भी वैदिक विद्वान से आप पूछ लेना, वेदों के अंदर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है। ये जो बाद में आए हैं, जो संप्रदाय हैं, संप्रदायों ने अपने आप को बांटा है। हिंदू भी एक संप्रदाय है, हिंदू एक धर्म नहीं है। जो सनातन है वो धर्म है, और सनातन धर्म कभी भी किसी को बांटता नहीं है। मनुष्य मात्र की बात कर रहे हैं, वेदों ने हमेशा मनुष्य मात्र की बात की है, और जो परमपिता परमात्मा है, जो सबसे पहले जिनका ज्ञान था, जो संदेश था, जो विचार था, वो मनुष्य मात्र के लिए था। उस टाइम पे जाति बंधन कुछ भी नहीं था। तो हिंदू अपने आप में एक संप्रदाय है। यदि आप हिंदू को संप्रदाय कहलवाना पसंद करते हैं तो हम सभी को संप्रदाय कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू धर्म नहीं है पर हम हिंदू को भी धर्म ही बोलते हैं, तो क्योंकि ये बहुप्रचलित भाषा है तो इसलिए हम कह देते हैं, लेकिन बीच में हम अपोलोजाइज कर लेते हैं और बीच में कह भी देते हैं कि इस्लाम संप्रदाय है। ये आपका जवाब हुआ। और दूसरा है, ये प्रश्न आया है आयुष जी का कि लव जिहाद के मुद्दे पर आपका वीडियो बॉलीवुड वालों का हौसला बढ़ाएगा, जैसे मुसलमानों का और बॉलीवुड वालों का, ये हिंदुओं पर ही बैकफायर है। तो ठीक है, लव जिहाद का मुद्दा है, उछला हुआ है, ट्रेंड में है, आप सभी लोग उनके वीडियोस देखते ही हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी जो लड़ाई है, या तो घोषित करके कीजिए कि हमारी लड़ाई सिर्फ इसके खिलाफ है कि हमारी जो हिंदू की लड़कियां हैं वो मुस्लिम लड़कों के साथ ना जाएं, उनके साथ शादी ना करें, वो उनको भगा कर ले जाते हैं, यूज़ करते हैं, बेचते भी हैं, सिर्फ वो ना हो, बाकी किसी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। और यदि आप ये कहते हो कि हमारी पूरी लड़ाई महिला समाज की सुरक्षा के लिए है और लड़कियों की सुरक्षा के लिए है, तो मुझे लगता है कि आपको लव जिहाद के सापेक्ष एक लड़ाई
अपने धर्म गुरुओं के खिलाफ भी लड़नी चाहिए या हिंदू उन दबंगों के खिलाफ भी लड़नी चाहिए जो सरेराह लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं और फिर सरेराह फेंक देते हैं। तो आपका जवाब भी मिल गया होगा। यह है भाई, ऐसा है कि जो अवतार होता है ना उसके पास सुप्रीम पावर होती है। कृष्ण ने विराट रूप दिखाया पर बेवकूफ़ लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। मुस्तफ़ा, कोई हमारे मुस्लिम भाई होंगे तो उन्होंने एक सा कुछ प्रश्न किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अवतारवाद को बनाए रखो और हमारे जो हिंदू भाई हैं जो अवतारवाद में विश्वास रखते हैं उनको बहकाते रहो, बहलाते रहो, फुसलाते रहो, क्योंकि आप लोगों ने अल्लोपनिषद बना दिया है और कल्कि पुराण बना दिया है, भविष्य पुराण बना दिया है, गरुड़ पुराण बना दिया है, मतलब आडंबर खूब रचा ही रखा है। तो वो आप लोगों को हिंदुओं के अंदर बढ़िया तरीके से जब तक सेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि वो सब चीज़ उनके अंदर से निकलती रहे पर आप दोबारा उनके अंदर घुसाते रहो। तो जब तक आप अवतारवाद की जो अवधारणा है उनके अंदर नहीं घुसाओगे तब तक आप कैसे प्रूफ करोगे कि मोहम्मद साहब ही 10वें अवतार हैं विष्णु के? तो वो आपका प्रोपेगेंडा है पर हम उसको सफल नहीं होने देंगे। आप अपनी तरफ से लगे रहिए, हम अपनी तरफ से लगे रहें। तो सर, इन चीज़ों को लेकर क्यों ना एक गुरुकुल खोला जाए? विनीत सिंह, बिल्कुल सर, और ये गुरुकुल ही तो है, ये ऑनलाइन गुरुकुल है सत्य सनातन के नाम से, और आप लोग इसको अप्रिशिएट कीजिए, घर घर तक पहुँचाइए, बच्चे बच्चे तक पहुँचाइए। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, अपनी एकेडमिक एजुकेशन भी लीजिए और इधर की एजुकेशन भी लीजिए, तो साथ साथ चलता रहेगा सब कुछ। सत्यनारायण की कथा हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता, और जब तक मैं सारे रहस्य नहीं खोलूंगा तब तक ये कथा कोई नहीं जान सकता। कल्कि अवतार ऑफिशियल। ओ देखो क्या है कि कल्कि भगवान जो हैं उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट बन गया है, उन्होंने जन्म ले लिया है, नेट पे आ गए हैं वो, जल्दी उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा मेरे ख्याल, और उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आया करेगी। तो जिस तरीके से कल्कि अवतार का पैदा होने का तरीका बताया गया था, मेरे ख्याल से अब उन्होंने प्लान चेंज कर लिया है और अब वो सोशल मीडिया के जरिए पैदा होंगे, वो पैदा नहीं होंगे मेरे ख्याल से, डाउनलोड होंगे। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि सत्यनारायण की जो कथा है वो हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पता होगा। तो ऐसे ऐसे भाई भी आते हैं। तो मैंने इनका वैसे पता निकाल लिया है, ये कोई हिंदू नहीं है, ये कोई इस्लामिस्ट हैं, और ये वही है, इनका प्रोपेगेंडा है कि कल्कि अवतार को किसी भी तरीके से मोहम्मद पैगंबर सिद्ध करना चाहते हैं, घोषित करना चाहते हैं। तो वेद क्यों पढ़ें? ये बहुत ज़्यादा हैं, कोर्स बहुत बड़ा है, पढ़कर कोई लाभ नहीं है। क्या कोई मल्टीनेशनल कंपनी जॉब देगी? बिल्कुल देगी। संस्कृत पढ़ो, वेद पढ़ो, तो आपको बहुत सारे जॉब्स हैं, और हिंदुस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं, बहुत काम कर सकते हो। और वेद क्यों पढ़ें? ये बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार गुरुकुल में घुसो तो सही, और गुरुकुल का मैं बता दूंगा नीचे, अगर कोई पूछना चाहे तो। बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं, गुरुकुल में जाइए, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और इसके ऊपर मेरी एक वीडियो आने वाली है कि वेद क्यों पढ़ें, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे। तो आज के क्वेश्चन इतने ही, आर्य प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतना ही। आपके भी जितने भी क्वेश्चंस हों आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम।